जानना चाहेंगे होगी प्यार की जीत, यही पिक्चर आपने क्यों सेलेक्ट किया, क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं? होगी प्यार की जीत इस फिल्म का सब्जेक्ट जो है वो अपने आप में ही प्यार की जीत के लिए सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, मुझे इस सब्जेक्ट का कहानी बहुत अच्छी लगी, और थोड़ा नयापन है कुछ सब्जेक्ट में। जनरली नयापन मतलब यही होता है कि हर फिल्म एक ही जैसी होती है, भोजपुरी में जो मोस्टली आजकल बन रही है, लेकिन इस फिल्म में डिफरेंट है। जब मुझे इसके डायरेक्टर ने स्टोरी सुनाई, नरेट किया, मुझे बहुत मज़ा आया इस फिल्म को, तो मैंने सोचा कि मुझे ही इस फिल्म को प्रोड्यूस करना चाहिए, और इसलिए मैं इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो इस पिक्चर में आपको क्या अंतर दिखाई दिया, क्या अलग दिखाई दिया दूसरे पिक्चरों से जिसने आपको सिलेक्ट किया, आपने सिलेक्ट किया? इस फिल्म की कहानी जो है बहुत अच्छी है, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, एक यूनिक सब्जेक्ट है, और काफ़ी साल आ गए, रोमांटिक फिल्म हमारे हिसाब से भोजपुरी में आजकल नहीं आ रही है काफ़ी दिनों से, तो एक कमर्शियली रोमांटिक सब्जेक्ट है और इंटरटेनिंग सब्जेक्ट है, इसमें आपको पूरा जो मसाला है, जो इंटरटेनमेंट का मसाला है, वो सब आपको मिलेगा इसमें। जी, जानते हैं खेसारी लाल तो ऐसे ही प्रसिद्ध हैं जी, तो क्या आपका प्रोड्यूसिंग करने का तरीका कुछ अलग नहीं हुआ, क्या आपने नए कोई एक्टर को लेकर शुरुआत नहीं किया, आपने खेसारी लाल के साथ ही काम करना है, क्यों ऐसा? ये मेरी शुरुआत नहीं, इससे पहले भी मैं फिल्में बनाते रहा हूँ, इससे पहले भी मैं फिल्में बनाते रहा हूँ, पिछली फिल्म हमारी कट्टा तलन दुपट्टा पर थी भोजपुरी में, बाकी हम अदर लैंग्वेज की भी फिल्में करते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे, लेकिन चूँकि हमारा जो है फिल्म प्रोड्यूस करने का या हमारा प्रोडक्शन हाउस जो है वो थोड़ा यूनिक स्टाइल की फिल्में हम लोग करते हैं, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी होनी चाहिए, सब्जेक्ट का जो डिमांड होता है उसको हम पूरा करते हैं, उसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है, जिस हिसाब से सब्जेक्ट होगा उसी हिसाब से, और खेसारी इस फिल्म को और इस कैरेक्टर को सूट कर रहे थे इसलिए खेसारी को लिया गया, अगर सब्जेक्ट में कोई और सूट होता तो डेफिनेटली उसको लेते, और ये सब्जेक्ट खेसारी पर बहुत अच्छा, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इसमें, यहाँ तक कि जितने भी एक्टर्स हैं, चाहे वो राजन मोदी हो, अवधेश मिश्रा हो, आपके अयाज खान हो, जितने भी एक्टर हैं, ब्रजेश जी हैं, सारे लोगों ने अच्छा काम किया, और सब ने एक छोटे से बड़ा जो भी कैरेक्टर है सब ने अपने कैरेक्टर के साथ न्याय किया है, और इसलिए इस फिल्म में, क्योंकि फिल्म हर आदमी एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करता है, हमने भी कोशिश की है, प्रयास किया, फिल्म जो है सभी ने अच्छा काम किया, और ये एक यूनिट का काम होता है, और यूनिट ने बहुत अच्छा काम किया, और ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है, इसके अंदर म्यूज़िक बहुत अच्छा है, म्यूज़िक जो है घुंगरू जी ने दिया है, अविनाश झा नाम है उनका, लेकिन घुंगरू के नाम से प्रसिद्ध हैं, और इस फिल्म में गाने बहुत अच्छे हैं हमारे, उसमें जनरली ये होता है, पिछली फिल्म भी आप देखिए उसमें सारे गाने हमारे बहुत अच्छे थे, इस फिल्म में भी हमारा ये रहता है, हम स्टोरी सुनते हैं, जब स्टोरी सुनने के बाद हमको अच्छा लगेगा तभी हम फिल्म के लिए ये करते हैं, जनरली हम ऐसा नहीं बनाते हैं कि भाई इस हीरो को साइन कर लिया, इस हीरोइन को साइन कर लिया और फिल्म बना दो, हमें जब तक स्टोरी एक्साइट नहीं करती तब तक हम फिल्म नहीं बनाते हैं, वरना दूसरी फिल्में तो हमारी दूसरी लैंग्वेज में बनती रहती है, वो हम करते हैं। दूसरी बात यह कि दर्शक जो हैं क्यों इसको पसंद करेंगे, क्यों देखना चाहेंगे, इसमें क्या टर्निंग पॉइंट है? क्योंकि दर्शक को जो चाहिए वही इसमें है, और उसके लिए आपको थिएटर में जाना होगा। इसमें टर्निंग पॉइंट क्या है, इस पिक्चर में टर्निंग पॉइंट क्या है, कहाँ से मूवी का कुछ अलग पल देखने को मिलेगा? इस फिल्म का सब्जेक्ट जो है अपने आप में ही अलग है, और ये रोमांटिक फिल्म है, और आज के ज़माने में जनरली हम जहाँ की फिल्म है वहाँ पे रोमांस में अक्सर लोग फेल हो जाते हैं, तो यहाँ आपको रोमांस मिलेगा, यहाँ कॉमेडी मिलेगी, यहाँ पे आपको एक्शन मिलेगा, यहाँ पे गाना मिलेगा, और इसका प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छा है, और वो बहुत ज़्यादा बढ़िया आपको मज़ा आएगा इसको फिल्म को देखने। फिल्म जो है 9 तारीख को रिलीज़ होगी, 9 सितंबर को हमने प्लान किया है, और उसका फर्स्ट लुक आप लोगों को बहुत ही जल्द 1-2 दिन में देखने को मिलेगा, और हम भगवान से ये प्रार्थना करेंगे, और आप लोगों की सारे लोगों को हम रिक्वेस्ट करेंगे आप फिल्म जो है थिएटर में जाके देखें और इन्जॉय करें। भोजपुरी में आपका एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, तो कॉर्पोरेट लेवल टाइप का है जी, तो रिलीज़ के लिए क्या क्या तैयारी आप कर रहे हैं? रिलीज़ के लिए जो भी हमारा प्लान है वो ये है कि अभी अब 1-1.5 महीना बाकी हमारे को फिल्म रिलीज़ करने के लिए, अभी से हम लोग इसका प्रमोशन में सब लग जाएंगे, सारे लोग इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम प्रमोट करेंगे, इसको पब्लिसिटी पर्सनली जाके थिएटर टू थिएटर भी हम प्रमोट करें, मतलब जितने भी नई चीज़ें हो सकती है तरीका होगा उसको हम लोग अपनाएंगे इसको प्रमोट करने के लिए, और आप लोग के माध्यम से हम प्रमोट ही कर रहे हैं। सुनने में आया कि इसमें राखी सावंत से जुड़ी हुई है? राखी सावंत जो है फेथ इनकॉर्पोरेट में एक डायरेक्टर हैं, तो इसलिए अपने आप ये फिल्म भी उनकी हो जाती है। बिहार में स्पेशल प्रमोशन कर रहे हैं? हाँ, राखी जी इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए बिहार में जरूर जाएंगे।
खेसारी लाल यादव के साथ आपका केमिस्ट्री कैसा है? हमारा बहुत अच्छा केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री हीरोइन के साथ अच्छा होना चाहिए, हमारे साथ तो ठीक ही है हमारे साथ तो रिलेशन अच्छे होंगे। डायरेक्टर के बारे में क्या कहेंगे? डायरेक्टर के बारे में जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, उसका रीज़न ये है कि ये पहली फिल्म है उनकी, लेकिन ऐसा आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि बंटी ने या जो इश्तियाक शेख हैं उन्होंने पहली बार फिल्म की है, क्योंकि जब उन्होंने मुझे स्टोरी नरेट किया तो मैंने उनको एक कमेंट किया था, मैं चूँकि हिंदी फिल्मों में प्रोड्यूस किया हूँ और लोगों को मिलते जुलते रहता हूँ, मैंने उनको राजकुमार संतोषी जी के पदवी की तरह से बोला, क्योंकि मैंने कहा कि भैया राज जी जैसे मुझे स्टोरी नरेट करते हैं आपने ठीक उसी तरह किया कि मुझे फिल्म पूरा दिखा दिया आपने सुना के, और सिर्फ उन्होंने वही नहीं दिखाया, उन्होंने फिल्म को उसी तरह से उसी प्रकार से पर्दे पे उतारा और पर्दे पे बनाने का प्रयास किया और वो अच्छा बन पड़ा है। एक ही महीने में दो फिल्में आप रिलीज कर रहे हैं, एक बंगाली और एक भोजपुरी, तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि दोनों डिफरेंट लैंग्वेज है, थोड़ा सा हाँ प्रोड्यूसर के लिए एक भागम दौड़ी हो जाएगी क्योंकि पटना और बिहार दोनों, पटना में और बंगाल दोनों में मुझे जाना पड़ेगा, कलकत्ता में भी मुझे सेम डे होना पड़ेगा और यहाँ पे भी, लेकिन उसमें अभी डायरेक्टर से, मैं अपने बंगाली डायरेक्टर से डिस्कस कर रहा था कि भाई मुझे एक आध दिन के लिए छोड़ देना ताकि मैं यहाँ भी आ सकूँ, क्योंकि दोनों ही फिल्म मेरे लिए बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, दोनों का डिफरेंट सब्जेक्ट है, दोनों का अलग जोनर है। बंगाली में ये चार और कंट्री में रिलीज़ होगी, इंडिया के अलावा यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में एक ही दिन पे ये फिल्म रिलीज़ होगी। आपके जो बंगाली फिल्म टाइटल और स्टार कास्ट कौन से? बंगाली फिल्म का टाइटल औरन तौखी नाम है इस फिल्म का, इसमें प्रतीक बब्बर हैं, फर्स्ट टाइम बंगाली फिल्म कर रहे हैं, इंद्रनील सेन गुप्ता और आपकी पॉलीडेम जो है इसमें हीरोइन है जिन्होंने हिंदी फिल्म भी की हुई है, और वहाँ की जितनी भी बंगाली सुपरस्टार कास्ट है वो सारे लोग हैं इसमें, हमारे मुखर्जी साहब हैं जिन्होंने राय साहब की सारी फिल्में की है, उनको भी हमने इसमें लिया हुआ। अभी आपको एक शॉर्ट फिल्म के लिए अवार्ड मिला है, उसके बारे में बता जाएंगे? हाँ हाँ, वो शॉर्ट फिल्म तो ऐसी खेल खेल में बना दिया हमने, एक 15 मिनट की फिल्म हमने शॉर्ट फिल्म बनाई थी, याद है उसका टाइटल था, और उस फिल्म को कम से कम 12-15 अवार्ड मिले हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, और अच्छी फिल्म बनी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि शायद इतनी अच्छी अवार्ड हमको मिल जाएगा, लेकिन फिल्म अच्छी आए बनी, लोगों को पसंद आ रहा है, यूट्यूब पे वो अवेलेबल है इस वक्त, और अच्छा लगता है, आप अच्छा काम करते हैं और रिकग्नाइज लोग करते हैं उस चीज़ के लिए, आपको अप्रिशिएट किया जाता है तो मज़ा आता है। और बॉलीवुड में कौन सी फिल्म आप कर रहे हैं? बॉलीवुड में हमारी तैयारी चल रही है, कुछ बड़ा ही धमाका करने वाले हैं। इतनी सारी एक साथ ही खुशियाँ आपको मिली है, कितना अच्छा लगा आपको? खुशियाँ थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में ही आते रहता है, लेकिन मज़ा आता है, आप अच्छा काम करिए अच्छे लोग आपके साथ जुड़ते हैं, ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो और मज़ा आता है काम करने। एक बार दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे लास्ट? मैं दर्शकों से हाथ जोड़ के ये विनती करूँगा कि आप फिल्म जो है थिएटर में ही जाके देखें, पायरेटेड ना देखें कृपया करके, क्योंकि ये बड़ी मुसीबत है, और इन्जॉय करो फिल्म को, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। होगी प्यार की चीज एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन फिल्म बनी है, भोजपुरी को नया आयाम मिलेगा इस मूवी से, और राहुल कपूर जी ने बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई है, इससे पहले उनकी कट्टा तनाल दुपट्टा भी बनी थी, बहुत अच्छी चली फिल्म, सुपर डुपर हिट थी, और इश्तियाक शेख बंटी बाबू के साथ मैंने काम किया जो हमारी गोल्डन जुबली फिल्म थी विदाई, उस समय मुझे लगा था कि इतनी मेहनत करने वाले जुनूनी आदमी हैं एक बेहतरीन चीज़ बना सकते हैं, और बहुत ही अच्छी अपनी तरह से उन्होंने मेहनत किया और बनाया। किस तरह से आप बधाई देना चाहेंगे? हम दर्शकों को यही बोलेंगे कि ये फिल्म देखें, बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, अच्छी फिल्म है, साफ़ सुथरी, जो घर से निकल के बाहर औरतें आना चाहते हैं देखना चाहते हैं उनके लिए फिल्म है, उनके लिए ये फिल्म है, और वो ज़रूर देखें, क्योंकि एक अच्छी फिल्म बेहतरीन फिल्म मार्केट में आती है उसे जब दर्शक सराहते हैं तो लोग अच्छे प्रयास करते हैं बनाने के, जितनी वल्गैरिटी है वो ख़त्म होती जा रही है और हो जाएगी, इस फिल्म को आप ज़रूर देखें। खेसारी लाल यादव के बारे में क्या? हाँ, वो एक अच्छे एक्टर हैं, डांसर बहुत अच्छे हैं और आजकल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी फिल्म मैंने देखा असलम जी की खिलाड़ी, बहुत अच्छी लगी मुझे। 9 सितंबर को रिलीज हो रही है मूवी होगी प्यार की जीत, जी तो दर्शकों को क्या? हाँ, 9 सितंबर को आ रही है फिल्म, हमारे भोजपुरी दर्शक इस फिल्म को देखें, एक अच्छी फिल्म है और अच्छी फिल्म को आप लोग सराहेंगे देखेंगे तो हमेशा अच्छी फिल्में बनेगी, तो आप लोग ज़रूर देखें इस फिल्म को। दूसरी बात है कि पिक्चर
ये तो गलत है कि इतना मेहनत करने के बाद एक आदमी मार्केट में एक चीज़ देना चाहता है और वो पायरेसी हो जाती है। अब इसलिए ये है कि उसको बंद किया जाए। और पायरेसी में बेसिकली क्या होता है ना, फिल्म समझ में नहीं आती, बीच बीच में कट सीन कट हो जाते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है, तो आदमी समझता है कि कुछ खास चीज़ नहीं बनी। इसलिए आप जाएँ थिएटर में देखें, पूरी फिल्म देखने को मिलेगी और आपको समझ में आएगा कि एक बेहतरीन फिल्म एक अच्छी फिल्म है। थैंक यू। आपने होगी प्यार की जीत में काम किया है एज ए डायरेक्टर, तो एज ए डायरेक्टर नहीं, फिर से कट करो भाई। मैं अपने खेसारी लाल यादव के साथ आपने काम किया, सर कैसा रहा आपका काम करना? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल को मुबारकबाद देना चाहता हूँ भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और जो आप अनुभव बारे पूछ रहे हैं कि अनुभव कैसा रहा, तो आज भगवान की दया से मैं इतनी सारी भोजपुरी फिल्में कर चुका हूँ, इतने सारे एक्टरों के साथ, कोई ऐसा हीरो नहीं जिसके साथ काम नहीं किया हूँ। और खेसारी लाल या पवन सिंह, ये सब तो हमारे बच्चे हैं, बच्चे जैसे हैं। अनुभव यह है कि खूब हस्ती मस्ती में फिल्म बनी है, सारे के सारे लोग अच्छा। चूँकि सबसे अच्छी बात ये थी कि मुझे छोड़ के पूरी यूनिट यंग थी, डायरेक्टर पॉइंट यंग, सारे असिस्टेंट यंग, मतलब 90% इंटरेस्ट जो हमारी टीम थी वो सब के सब यंग थे। तो उनकी मस्ती, उनके काम करने का अंदाज और सब मिला के बहुत अच्छा रहा। होगी प्यार की जीत काफ़ी अलग टाइटल है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? होगी प्यार की जीत मैं कहानी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूंगा कि आपको बहुत पसंद आएगा। होगी प्यार की जीत एक फिल्म आई थी अजय देवगन की, और उसमें अजय देवगन और इशरत अरशद वारसी थे। वो फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी बिहार में, बहुत बड़ी हिट थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म भी बिहार में उतनी ही बड़ी हिट होगी। होगी प्यार की जीत कैसा लगा आपको, क्योंकि काफ़ी अलग टाइटल था और हाँ, प्यार की बात ही हमेशा होती रहती है। एक बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी है ये, बहुत खूबसूरत लव स्टोरी। और एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर, एज ए कैमरामैन, इन सब लोगों का इतना ज़बरदस्त काम है, फिर बाद में सारे एक्टरों का कोऑर्डिनेशन बहुत कमाल का है। और मैं ये कहता हूँ कि ये फिल्म पब्लिक को वाकई पसंद आई, कि इसमें कोई मतलब ये कहने वाली बात नहीं कहा हाँ जैसे आम फिल्म नहीं, फिल्म अच्छी है, ये वायलेंट लव स्टोरी है और लोग इसको पसंद करेंगे। 9 सितंबर को रिलीज हो रही है मूवी है जी, तो दर्शक आपके काफ़ी चाहने वाले हैं, तो अपने दर्शकों को इस पिक्चर के बारे में आप क्या कहना चाहिए? आज तक जिस तरह से हमारे दर्शकों ने हमें प्यार दिया है और हमारी फिल्मों को प्यार दिया है, और मैं तो हमारी ही फिल्म को क्यों कहूँ, भोजपुरी को जो प्यार दिया, भोजपुरी फिल्मों को प्यार दिया है, मैं समझता हूँ वो प्यार इस फिल्म को भी मिलेगा और हमारे दर्शक 100% ये फिल्म देखेंगे, क्योंकि फिल्म बहुत खूबसूरत बनी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। टाइटल काफ़ी अलग है जी, क्या इसके जैसे ही नाम आपने सुना होगी प्यार की, तो आपको लीड करने को मिला, रोल करने को मिला इसमें, तो कैसा सरप्राइज लगा या फिर आप कुछ उस समय सोचने लगे थे? मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि मुझे खेसारी लाल जी के साथ में काम करने का मौका मिला। और होगी प्यार की जीत एक ऐसी फिल्म है, एक पारिवारिक फिल्म है, बहुत साफ सुथरी फिल्म है और पूरी फिल्म प्यार के ऊपर ही है। आप लोग देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगी, बहुत अच्छी फिल्म है। राहुल कपूर जी ने इससे पहले भी जो फिल्म बनाई थी वो भी साफ़ सुथरी थी, और ये भी बहुत साफ़ सुथरी फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है और बहुत अच्छी फिल्म है। मैं कहूँगा कि सारे लोग, आप लोग देखें, आप लोगों को पसंद आएगी। जैसे कि सुना जा रहा है कि आपका स्टार्ट भी आप ही से मूवी का हुआ है और अंत भी आप ही से हुआ है, तो ऐसा क्या कर दिया आपने इस मूवी में? हाँ, अंत तो मुझसे नहीं हुआ, स्टार्ट मुझसे हुआ। एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है, उसके बारे में बताऊंगा नहीं, आप लोग देखोगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। क्या नेगेटिव रोल में अदा कर रहे हैं या पॉजिटिव रोल है आप? पॉजिटिव कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कैरेक्टर है मेरा और मैंने दिल से किया है, और मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि ऑडियंस इसको दिल से पसंद करेगी। तो खेसारी लाल जी के साथ आप काम कर रहे हैं, केमिस्ट्री कैसा? मुझे यार बहुत बहुत मतलब, मैं जितना भी खेसारी जी की तारीफ़ करूँ मेरे पास अल्फाज नहीं उनके लिए। एक इतना डाउन टू अर्थ इंसान, इतना बड़ा सुपरस्टार जिसकी दुनिया दीवानी है, वो आदमी ऐसा लगता है कि जैसे हमारे जैसा ही कोई इंसान हो, कोई ईगो नहीं, कोई घमंड नहीं, बहुत प्यार से काम करने वाला इंसान है। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा खेसारी जी के साथ में काम करके, आई लव यू। एज ए स्टेज और एज ए नॉट ऑन स्टेज, आपने क्या सीखा उनसे, सिखाई उनसे?
मैंने भी सीखा कि अब मैं भी इन्हीं की तरह से ज़िंदगी भर डाउन टू अर्थ रहूँगा। मुझे जब भी मौका मिला तो मैं उन्हें अपना आइडियल मानते हुए, गुरु मानते हुए, उन्हीं के रास्ते पर चलने की कोशिश करता रहूँगा। 9 सितंबर को मूवी रिलीज हो रही है जी, तो आप अपने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं डायरेक्टर इश्तियाक बंटी जी की पहली फिल्म में एक अच्छा कैरेक्टर कर रहा हूँ, और दिल से यही दुआ कि इश्तियाक जी की फिल्म सुपर डुपर हिट हो। और राहुल कपूर जी की मैंने बंगाली फिल्म भी मैंने की है, इससे पहले भी कट्टा तंगल दुपट्टा भी मैंने की, इसमें भी कर रहा हूँ। तो मुझे ये मेरा होम प्रोडक्शन है, मैं जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी इस प्रोडक्शन में मैं काम करता रहूँगा, और इसके लिए हमेशा जितना भी हो सके अपनी तरफ से बलिदान देता रहूँगा। होगी प्यार की जीत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? दर्शकों से कहूँगा कि आपने सारी फिल्में भोजपुरी आप लोग देखते हैं, लेकिन ये जब आप भोजपुरी ये वाली फिल्म आप देखोगे तो आपको लगेगा कि आपकी अपनी स्टोरी है, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं प्यार होता है, किसी न किसी से मोहब्बत होती है, और ये हमारे भोजपुरी वाले जो यूपी बिहार के जो लोग हैं ये बहुत प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो ऐसा लगेगा कि आपकी अपनी स्टोरी है, बहुत प्यारी स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, आपकी अपनी स्टोरी है, खेसारी जी के अलावा आपकी यूपी बिहार के रहने वाले एक एक इंसान की स्टोरी है। जब आदमी देखेगा तो उसे लगेगा कि मैं मेरा अपना कोई कैरेक्टर देख रहा हूँ। बहुत अच्छी फिल्म है। थैंक यू वेरी मच। या थैंक यू। आपने सबसे डेब्यू इससे स्टार्ट किया इस पिक्चर को, तो कैसा लगा आपने सबसे जब आपने स्टार्ट किया तो इस पिक्चर? सबसे पहले तो भोजपुरी अड्डा और बॉलीवुड अड्डा की तमाम ऑडियंस को नमस्कार, और बहुत ही बढ़िया महसूस हुआ। फिल्म पहली डेब्यूट फिल्म थी और काफ़ी मेहनत किया था इसमें, तो जाहिर सी बात है किसी की पहली फिल्म है तो काफ़ी अच्छा महसूस करता है, तो बड़ा अच्छा लगा और सबका सपोर्ट मिला इसलिए चीज़ें और बढ़िया हो गई। मैंने प्रोड्यूसर जी से भी बात किया तो प्रोड्यूसर साहब ने बोला कि ऐसा लगा नहीं कि आपका फर्स्ट मूवी है, आप फर्स्ट डेब्यू मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसा आपने क्या किया? नहीं, एक्चुअली इसमें तो सबसे बड़ा बड़प्पन है मेरे प्रोड्यूसर का, राहुल कपूर जी का, क्योंकि एक अच्छी फिल्म तभी बनती है जब प्रोड्यूसर का विजन अच्छा हो, सोच अच्छी हो प्रोड्यूसर की। क्योंकि भोजपुरी में मैंने मैगजिम देखा कि प्रपोजल बनते हैं कि भाई ये हीरो को ले लो, इतने में फिल्म बना दो, इतने में आप रिलीज़ कर दो, लेकिन ये फिल्म मेरी पहली फिल्म थी, राहुल सर मुझे कह सकते थे कि नहीं यार ये पर्टिकुलर एक बजट में बनाओ, लेकिन नहीं, सब्जेक्ट जब उन्होंने सुना, उनको सब्जेक्ट अपीलिंग लगा, अच्छा लगा, डिफरेंट लगा, तो उन्होंने बोला कि आप एक फिल्म बनाओ, बजट का टेंशन मत लो, आपको जो रिक्वायरमेंट आप बुक करिए, फिल्म अच्छी लगना चाहिए, फाइनली मैं फिल्म देखूंगा। और मैं नहीं समझता हूं किसी एक दिन भी मेरा प्रोड्यूसर मेरे सेट पे आया है या किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया या किसी चीज़ को लेके उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, उन्होंने पूरा मेरे पे छोड़ दिया था, और मैंने बहुत कंफर्टेबल होकर फिल्म बनाई है। और आप ये फिल्म देखोगे तो आपको ही महसूस होगा कि यार ये बड़े आराम से बनाई हुई फिल्म है, आपको अच्छा लगेगा, फिल्म देख के मज़ा आएगा आपको। लाइफ में कौन से तीन चीज़ नहीं भूलेंगे इस फिल्म के पिक्चर के दौरान? तीन चीज़ें तो मैं वही बोलूँगा, एंटरटेनमेंट, क्योंकि मेरी फिल्म में सिर्फ वही भरा हुआ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको कहीं से बोरियत होने देगी, और वो पूरा मैंने एक पहले मतलब जब इनिशियल मैंने स्क्रिप्ट की तैयारी की थी तो एक फोकस किया था कि एक लव स्टोरी बनाना है लेकिन फुल ऑन एंटरटेनमेंट के साथ, पूरा एक मसाला फिल्म जिसको बोलते हैं। खेसारी जी के साथ आपने काम किया है, खेसारी जी ऐसे ही प्रसिद्ध है, हाँ, तो कुछ ऐसा आपको कुछ सिखाने की जरूरत पड़ी, उनको बोलने की जरूरत पड़ी? नहीं, खेसारी जी तो खुद अपने आप में मुकम्मल इंसान है, बहुत बढ़िया एक्टर हैं। खेसारी जी के साथ तो मैंने उस वक्त उस दौर से काम करते हुए आ रहा हूँ जब मैं असिस्टेंट हुआ करता था, उनके सामने मैंने साथ में फिल्म की संसार असिस्टेंट में, प्यार झुकता नहीं असिस्टेंट में, खेसारी जी को मैंने ये कहानी इनिशियली सुनाई थी, पहले थॉट मेरा जब रेडी हुआ था तो मैंने उनको सुनाई थी, उनको बहुत अच्छा लगा था, और उन्होंने भी मुझे पूरा ट्रस्ट करते हुए मुझे बोला कि भाई आप अपने हिसाब से फिल्म बनाओ, मेरे से जो सहयोग होगा जो ट्रस्ट होगा वो मैं करूँगा, और उन्होंने वो किया और चीज़ें अच्छी हुई। फिर 9 सितंबर को पिक्चर रिलीज होने वाली है जी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि तमाम ऑडियंस को कि 9 सितंबर को टाइम निकाल के जाइए, फिल्म देखिए और बताइए, क्योंकि आपकी राय काफ़ी अच्छी रहती है, आपके पूरा हक बनता है, आपके हाथ में पूरा फिल्म का आउटकम आउटलुक सब आप ही बता सकते हैं, तो सब जाइए फिल्म देखिए। हाँ, मेरा ये वादा है आप लोगों से, हर ऑडियंस से, कि फिल्म मैंने अच्छी बनाई है, पूरी उम्मीद के साथ बनाई है कि आपको पसंद आएगी, इसमें कोई वल्गरिटी नहीं, पूरी फैमिली ऑडियंस भी बैठ के एक साथ बैठ के फिल्म देख सकती है, उसमें कोई क्योंकि टारगेट बनाया जाता है भोजपुरी को अक्सर, हालांकि हर स्ट्रीम में होता है कि कोई अच्छी फिल्में बनती है, कुछ खराब फिल्में बनती हैं, कुछ आउट एंड आउट एंटी फैमिली भी फिल्म बन जाती है, लेकिन ये फिल्म फैमिली को दिमाग में रखते हुए कम्प्लीट फैमिली एंटरटेन इसको बनाई गई है। सेम डे बिहार और मुंबई में रिलीज होगी? अभी रिलीज़ के बारे में तो देखिए पूरी मार्केटिंग टीम है हमारी फेथ प्रोडक्शन की, वो हैंडल करती है,
अभी सिर्फ बिहार का डेट डिसाइड हुआ है, अब बाकी आगे का क्या उनका क्या स्ट्रेटेजी है वो बता देंगे, वैसे ही अपडेट कर दिया जाएगा आपको। पिक्चर लीक हो जा रही है, पहले ही पिक्चर आ जा रही है यूट्यूब पे, लोग देख ले रहे हैं। हाँ, तो उसके बारे में क्या करना है? नहीं नहीं, पायरेसी तो नहीं की होगी, प्यार की गीत भी पहले ही लोग देख लिया फिर मजा ना रहे? नहीं देखिए, पायरेसी तो खैर जहाँ अच्छी चीज़ें होती हैं वहाँ बुरी चीज़ें होती है, फिल्म अगर अच्छी बन रही है तो पायरेसी भी हो रही है, और अभी आज की तारीख में कुछ बहुत धड़ल्ले से हो रही है हर फिल्म की पायरेसी की, कुछ कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जिसकी रिलीज से पहले पायरेसी आ गई, लेकिन उसमें सबसे बड़ा सहयोग अगर किसी को देना है तो वो ऑडियंस को देना है। ऑडियंस अगर फिल्म, क्योंकि एक फिल्म बनती है, हम फिल्म अपने खुद के देखने के लिए नहीं बनाते, हम ऑडियंस के देखने के लिए बनाते हैं, और ये सोच के बनाते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ जाके सिनेमा हॉल में अपनी 3 घंटे अच्छे से बिता के आए, खुश होकर आए, एक अच्छी सिनेमा अच्छी फिल्म देख के आए। तो हम नहीं चाहेंगे कि वो मोबाइल में पायरेटेड कॉपी, उसमें पहली बात तो पूरी फिल्म आती नहीं है, सब एडिटेड होता है, साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती है आपको, और फिर आप उस पर फिर आप जजमेंट ले लेते हो कि नहीं यार फिल्म अच्छी नहीं है, लेकिन आप सिनेमा हॉल में जाके देखिए, जज करिए, आपको खुद ही बेटर महसूस होगा। ओके, मोस्ट वेलकम, धन्यवाद।